नमस्कार मित्रों, आज के संवाद में आप सबका स्वागत है। आज से हम बात करने वाले हैं हिंदू कैलेंडर, भारतीय काल दर्शक उसकी। देखिए साहब, हमें समझना चाहिए, अपनी रूट्स को समझना चाहिए, सिस्टम को समझना चाहिए, तब आपको समझ आएगा कि हिंदू धर्म केवल धर्म नहीं है, ये लाइफस्टाइल है। और यहाँ ना एक बात और समझ लीजिएगा साहब, जो नानक शाही कैलेंडर है वो मोर और लेस इसी हिंदू कैलेंडर से ही चला है, क्योंकि ये बेसिकली पंजाब में वाइडली एप्लीकेबल था, तो मोर और लेस वहीं से है। तो जिस अगर आपको ये विक्रमी कैलेंडर का सिस्टम समझ आता है तो आपको बहुत सारी चीज़ों का सिस्टम समझ में आ जाएगा और आपको ये समझ आएगा कि कितना साइंटिफिक है ये। ठीक है, हम बात शुरू करते हैं, आपको समझ आता चला जाएगा। तो साहब, पहले तो ये समझ लीजिएगा कि एक कड़ी में पूरा होने वाला नहीं है, दो तीन कड़ियों का मटेरियल है, पर कोशिश करूँगा कि ज़्यादा टेक्निकल ना रख के क्रिस्प रखूँ अपनी बात को। कहीं कहीं थोड़ा सा सॉरी कहीं कहीं थोड़ा हैवी हो जाए तो घबराना नहीं। तो साहब, हिंदू कैलेंडर जो है वो बेसिकली सोलर और ल्यूनर कैलकुलेशंस के साथ चलता है, सौर और चंद्र गणनाओं को दोनों का एक कोऑर्डिनेशन बिठाकर चलता है। एक संवत जिसे हम साल बोलते हैं 12 महीनों में बटा हुआ है। अभी घबराना नहीं, एक एक चीज को समझाने की कोशिश करूंगा साहब। हर महीना कृष्ण पक्ष से शुरू होता है साहब, अभी कुछ घबराना नहीं, कुछ टेक्निकल होने की कोशिश मत करना। जिस नक्षत्र में पूर्णिमा पड़ती है साहब, उसी के नाम से उस महीने का नाम रखा जाता है। और जो साल शुरू होता है जिसे हम संवत कहते हैं, संवत शुरू होता है चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से। सब समझाऊंगा साहब, मैं खुद घबरा रहा हूं कि मैं कितना समझा पाऊंगा, पर मैं सब समझाऊंगा साहब। ठीक है जी, तो अब साहब सबसे पहले हम 12 महीनों के नाम समझें साहब। चैत्र मास से शुरू होता है साल, तो हम चैत से शुरू कर रहे हैं साहब। चित्रा नक्षत्र से चैत्र आया साहब, मार्च और अप्रैल के आसपास ये आता है। विशाखा से बैसाख आया, जेठ से ज्येष्ठ आया, पूर्वाषाढ़ से आषाढ़ आया, श्रवण नक्षत्र से श्रवण जिसको हम सावन का महीना कहते हैं, पूर्व भाद्रपद से भाद्रपद का महीना जिसे हम भादो का महीना कहते हैं, अश्विनी नक्षत्र से अश्विन का महीना आया, कृतिका नक्षत्र से कार्तिक का महीना आया जिसे हम कत्ते का महीना पंजाबी में बोलते हैं, मृगशिरा नक्षत्र से मार्गशीर्ष महीना आया, फिर पुष्य नक्षत्र से पौष का महीना जिसे हम पौधा महीना बोलते हैं, मघा नक्षत्र से माघ का महीना और पूर्व फाल्गुनी से फाल्गुन का महीना। ठीक है साहब, बेसिकली मार्च अप्रैल से शुरू करते हुए वही ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 29-30 डेज की रहती है हर महीने की। अब होता ही है साहब, जब सौर और चंद्र गणनाओं को अलाइन करना पड़ता है तो 19 संवतों में जाकर 7 महीने बढ़ाए जाते हैं ताकि घूम फिर के डेट्स वहीं की वहीं रहें। तो मोटे मोटे में हिसाब समझो तो हर 3 साल में एक अधिक मास होता है। कैसे होता है उस टेक्निकलिटी में अभी पढ़ना नहीं साहब, आगे चले साहब, थोड़ा सा हैवी है, घबराना नहीं, इंटरेस्टिंग होता चला जाएगा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। हर महीने में 2 पक्ष होते हैं साहब, फोर्टनाइट्स। ठीक है,
ल्यूनर, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो शुक्ल पक्ष है जिसको हम चांदना भी कहते हैं, जहाँ अमावस्या खत्म होती है वहाँ से जो शुरू होता है, वहाँ से लेके पूर्णमासी तक अप्रोक्सीमेटली 15 दिन शुक्ल पक्ष, जब चंद्रमा रोज बढ़ रहा है, और जब चंद्रमा रोज घट रहा है वो कृष्ण पक्ष। जहाँ पूर्णिमा खत्म होती है वहाँ से लेके अमावस्या खत्म होने तक कृष्ण पक्ष। अब साहब हर पक्ष में 15 दिन होते हैं, महीने में 30 दिन होते हैं ना, तो हिंदू कैलेंडर में 15-15 दिन के दो पक्ष होते हैं साहब। अगर हिंदी की आपको गिनती आती है तो आपके लिए आसान है, नहीं तो समझते चलिएगा। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी। 15वें दिन को साहब बोला जाता है पूर्णिमा और 30वें दिन को अमावस्या। ठीक है, समझ लीजिएगा साहब। तो आज की टेक्निकली मेरे को इतनी ही बात करनी थी, इससे ज़्यादा हैवी करूँगा तो आप आज समझ नहीं पाएंगे। तो अब इसको सब एक छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ। कृष्ण प्रतिपदा, शुक्ल प्रतिपदा, कृष्ण द्वितीया, शुक्ल द्वितीया, ये ऐसे चलता है। ठीक है साहब। तो प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी। अगर ये शुक्ल पक्ष है तो 15वीं तारीख पूर्णिमा, फिर उसके बाद कृष्ण पक्ष शुरू, प्रतिपदा द्वितीया उसी तरह करते हुए, और 30वीं तारीख अमावस्या। ठीक है साहब। अब इससे आगे की बात अगली कड़ी में करूँगा साहब, नहीं तो बहुत हैवी हो जाएगा। जल्द मिलेंगे अगली कड़ी में और इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, आज के संवाद में आप सबका स्वागत है। पिछली कड़ी से हमने हिंदू कैलेंडर को समझने की कोशिश शुरू की। ठीक है साहब। और हमने पिछली बार देखा 12 महीनों के नाम और 30 तारीखों के नाम। आज हम इंटरेस्टिंग बात करेंगे, मज़ा आएगा आपको। आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करने वाले हैं ऋतुओं की। देखिए साहब, सबसे पहले ये समझ लीजिएगा कि हिंदू धर्म के अंदर जितने भी त्यौहार हैं वो मौसम ऋतुओं के अनुसार हैं साहब, अनुरूप हैं। जैसा मौसम होगा वैसे त्यौहार होंगे साहब। ये ब्यूटी है हिंदू धर्म की, इस चीज को समझ लीजिएगा। सबसे पहले कुल साहब 6 ऋतुएं हैं, 6 मौसम हैं जो इन्हीं 12 महीनों के अंदर हैं साहब। तो हम अब एक एक ऋतु को समझते हुए चलते हैं साहब। सबसे पहले हम शुरू करते हैं साहब वसंत ऋतु से। ठीक है जी। स्प्रिंग जिसे हम कहते हैं, मिड फेब्रुवरी से लेकर और मिड अप्रैल तक ये चलता है साहब। इसको मैं जॉर्जियन के साथ आपको थोड़ा सा एक सिंक करके दिखा रहा हूँ। चैत्र और बैसाख के 2 महीने जो हैं वो इनमें इस ऋतु में आते हैं साहब। और त्यौहार अब इनमें कौन से आते हैं साहब, होली, नवरात्रि, रामनवमी, बैसाखी, हनुमान जयंती, अक्षय तृतीया, ये बसंत ऋतु में आते हैं साहब। ठीक है। अगली ऋतु साहब ग्रीष्म ऋतु, समर, मिड अप्रैल से मिड जून, जेठ और आषाढ़ के महीने इसमें आते हैं साहब। और इनमें जो मुख्य त्यौहार होते हैं साहब, रथ यात्रा, गुरु पूर्णिमा, गंगा दशहरा, निर्जला एकादशी,
देवशयनी एकादशी, ये सब ग्रीष्म ऋतु में आते हैं साहब। तीसरी ऋतु है साहब वर्षा ऋतु, रेनी सीजन जिसे हम बोलते हैं, मिड जून से लेके और मिड अगस्त तक। श्रवण और भाद्रपद के ये दो, सावन भादो जिसे हम कहते हैं, ये दो मौसम इसमें पड़ते हैं साहब। ग्रीष्म ऋतु जहां खत्म होती है या वर्षा ऋतु जहां शुरू होती है साहब, वहां से दक्षिणायन शुरू होता है साहब सूर्य का। ज्यादा इसको समझिएगा, अभी फंस जाओगे ज्यादा समझोगे तो। और इसमें मुख्य त्योहार कौन से आते हैं साहब, रक्षाबंधन, कृष्ण जन्माष्टमी, ओणम, गणेश चतुर्थी, ठीक है साहब। चौथी ऋतु है शरद ऋतु, जिसे हम शरद भी बोलते हैं, ऑटम, मिड अगस्त से लेके और मिड अक्टूबर तक। इसमें अश्विन और कार्तिक का महीना आता है साहब। और मुख्य त्योहार जिसमें फिर महाशिवरात्रि, सर्दियों के नवरात्रे जिसको हम बोलते हैं, ऑटमल जो नवरात्रे होते हैं, विजयदशमी और शरद पूर्णिमा। अगले ऋतु है साहब हेमंत ऋतु, जिसे हम विंटर कहते हैं, मिड अक्टूबर से लेकर और मिड दिसंबर तक चलती है साहब। और इसमें जो महीने चलते हैं वो मार्गशीर्ष और पौष का महीना चलता है साहब, ठीक है। जहां पर हेमंत ऋतु खत्म होती है, अभी ज्यादा मत करो, हेमंत ऋतु जहां खत्म होगी वहां से उत्तरायण लगभग चालू होगा साहब, मोटा मोटा अगर समझना है तो, ठीक है। और इसमें जो त्योहार आएंगे साहब, दीपावली, भाई दूज, ये आएंगे साहब। फिर है साहब शिशिर ऋतु, कूल, मिड दिसंबर से लेके मिड फेब्रुवरी। मघा और फाल्गुन, माघ और फाल्गुन के महीने ये इसमें आते हैं साहब। और इनमें जो त्योहार आते हैं ये मिड दिसंबर से मिड फेब्रुवरी चलता है, पर इसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल समझिएगा साहब। और उत्तरायण शुरू होता है यहाँ से। तो त्यौहार कौन से आएंगे साहब, लोहड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति, महाशिवरात्रि, वसंत पंचमी, ये सब साहब इनमें आएंगे। ज़्यादा टेक्निकल मैंने करने की कोशिश नहीं की, इसको आसान रखा है। अगली बार हम कुछ मुख्य त्योहारों की और उनकी देसी तिथियों की बात करेंगे। हमें पता होना चाहिए साहब कौन सा त्यौहार किस देसी तिथि को पड़ता है। आशा करता हूँ आपको कुछ इंटरेस्ट आ रहा होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है पर समझने लायक, जानने लायक चीज़ है। अगली कड़ी में जल्द मिलेंगे, नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, आज के संवाद में आप सबका स्वागत है। हिंदू कैलेंडर को समझने में ये आज हमारी तीसरी कड़ी है और आज हम बहुत लाइट रखेंगे पर इंटरेस्टिंग रखेंगे कि अलग अलग त्योहार किस देसी तिथि पर आते हैं। बस मैं बोलता जाता हूँ, कोशिश करूँगा थोड़ा स्लो बोलूँ, आप लिखना चाहो समझना चाहो आपके लिए अवेलेबल है साहब। तो साहब हम शुरू कर रहे हैं जनवरी से, इस बार हम चैत्र से शुरू नहीं कर रहे, जनवरी से शुरू कर रहे हैं साहब। वसंत पंचमी, मघा का महीना शुक्ल पंचमी के दिन आती है साहब। फिर है साहब महाशिवरात्रि, फागुन महीने की कृष्ण त्रयोदशी 13th day पर आती है साहब। होली साहब फागुन के महीने में पूर्णिमा के दिन में आती है। अब साहब यहाँ से संवत शुरू हो जाता है, चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, नया संवत भी शुरू होता है
और यहाँ से गर्मियों के नवरात्रे भी शुरू होते हैं मार्च और के आसपास, और या कभी कभी अप्रैल में आती है। रामनवमी चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी, हनुमान जयंती चैत्र मास शुक्ल पक्ष की, शुक्ल पक्ष क्या पूर्णिमा साहब, चैत्र मास की पूर्णिमा, अक्षय तृतीया बैसाख के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया, गंगा दशहरा जेठ महीना ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी, निर्जला एकादशी ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी, देवशयनी एकादशी आषाढ़ के महीने की शुक्ल एकादशी, गुरु पूर्णिमा आषाढ़ महीने की पूर्णिमा, कृष्ण जन्माष्टमी श्रावण महीने की कृष्ण अष्टमी, रक्षाबंधन श्रवण की पूर्णिमा, गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, सर्दियों के नवरात्रे साथ अश्विन महीना शुक्ल प्रतिपदा, दुर्गा अष्टमी अश्विन महीना शुक्ल अष्टमी, दशहरा या विजयदशमी अश्विन महीना शुक्ल दशमी, करवा चौथ कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, एक कल परसों ही किसी मेरी स्टूडेंट ने पूछा अहोई अष्टमी वो कार्तिक कृष्ण अष्टमी, धनतेरस कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी, दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या। आगे चलें साहब, दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा कार्तिक मास शुक्ल प्रतिपदा, तुलसी विवाह कार्तिक मास शुक्ल एकादशी, और कार्तिक पूर्णिमा कार्तिक के महीने की पूर्णमासी। तो थोड़ा सा हैवी रहा मुझे मालूम है, पर काम का है साहब, हमें समझना चाहिए, अपनी रूट्स को अपने सिस्टम को पहचानेंगे तब समझ आएगा कि ये कितना काम का सिस्टम है। आशा करता हूँ ये तीन कड़ियों में जो मैंने आपसे बात की उसमें से आप कुछ काम की अच्छी जानकारी निकाल पाए होंगे। चर्चाएं जारी रहेंगी, संवाद जारी रहेगा, प्रेम भाव बनाकर रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।